गौतम बुद्ध भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुंचे। वहां उनका प्रवचन सुनने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। लोग ध्यानमग्न होकर उनका प्रवचन सुन रहे थे। भगवान बुद्ध उन्हें सहनशीलता और क्षमाशीलता का उपदेश दे रहे थे। वे बोले, क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो न केवल दूसरों को जलाएगी बल्कि स्वयं को भी जलाकर राख कर देती है। इसलिए क्रोध को त्याग कर क्षमाशील और सहनशील बनिए। प्रवचन सुनने वालों में एक क्रोधी व्यक्ति भी बैठा था। भगवान बुद्ध के वचन सुनकर उसका क्रोध बढ़ने लगा। वह उठ खड़ा हुआ और कर्कश स्वर में बोला, इतना पाखंडी बिच्छू मैंने आज तक नहीं देखा। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए तुम गांव में भ्रामक बातें फैला रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? भगवान बुद्ध ने उसके कटु वचन सुने किंतु कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। वे उतने ही शांत चित दिखाई दे रहे थे जितने पहले थे। यह देख क्रोधी व्यक्ति का क्रोध और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वह भगवान बुद्ध के मुख पर थूक कर चला जाता है। भगवान बुद्ध तब भी शांत रहते हैं। उन्होंने प्रवचन समाप्त किया और शिष्यों सहित दूसरे गांव की ओर चल पड़ते हैं। घर आने के बाद क्रोधी व्यक्ति बहुत देर तक भगवान बुद्ध के बारे में सोचता रहता है। क्रोधवश वह जाने क्या क्या उन्हें कह आया था, किंतु उन्होंने उसके मृत कंठ से एक शब्द भी नहीं निकाले। उसका क्रोध उतरने लगा और वह मन ही मन पछताने लगा। वह तत्काल उसी स्थान पर पहुंचा जहां भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, मगर उसे उनके प्रस्थान की सूचना मिली। सारी रात वह स्वयं को कोसता रहा। अगले दिन गांव वालों से पूछकर वह भागा भागा पड़ोसी गांव में पहुंचा जहां भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। उसने भगवान बुद्ध के चरण पकड़ लिए और रोते हुए उनसे क्षमा याचना करने लगा। बुद्ध ने विस्मय से उसे देखते हुए पूछा, कौन हो तुम? क्यों मेरे पैरों में गिरकर क्षमा याचना कर रहे हो? अब उठ जाओ। उस व्यक्ति को भगवान बुद्ध के मुख पर परिचय के कोई भाव नहीं दिखाई पड़े। वह बोला, गुरुवर आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने कल आपके साथ दुर्व्यवहार किया था। मैं आपसे क्षमा मांगने आया हुआ हूँ। भगवान बुद्ध ने शांति भाव से कहा, बंधु जिस कल की तुम बात कर रहे हो वह बीत चुका है। मैं उस कल की सारी घटनाएं और बातें छोड़कर आगे बढ़ चुका हूँ। अब मैं वर्तमान में हूँ। तुम क्यों उस कल में ठहरे हुए हो? तुमने कल जो किया था उसका पश्चाताप कर चुके हो। तुम्हारा हृदय शुद्ध हो चुका है। अब उन बातों को वहीं छोड़कर वर्तमान में आ जाओ और अच्छे कर्म करते हुए अपना वर्तमान सुधारो। क्यों बीती हुई बातें स्मरण करके अपना वर्तमान नष्ट कर रहे हो? भगवान बुद्ध की बातें सुनकर उस व्यक्ति के नेत्रों से आंसू बहने लगी। उनका नमन करते हुए वह बोला, गुरुवर अब मैं क्रोध को त्याग कर प्रेम और करुणा का जीवन में समावेश करूंगा। अपने कर्मों से जीवन को बेहतर बनाऊंगा ताकि जीवन में किसी भी बात का पश्चाताप न रहे। मित्रों, प्राय जीवन में की गई गलतियों को हृदय में रखकर हम आजीवन उस ग्लानि रूपी बोझ को धोते रहते हैं और पछतावे की आग में जलते रहते हैं। जो त्रुटि हो गई है उसे सुधारा नहीं जा सकता, इसलिए उसे पुनः न दोहराने के संकल्प के साथ हमें जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए। जो बीत चुका है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, वर्तमान हमारे नियंत्रण में है। क्यों ना अच्छे कर्मों से अपना वर्तमान बेहतर बनाएं। तो प्रिय मित्रों, यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।